सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल और गाइस आज हम बात करने वाले हैं दो 5G डिवाइस के बारे में। जी हां गाइस, आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G वर्सेस रियलमी 9i 5G। आज हम इन दोनों डिवाइस के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि 5G के अंदर आपके लिए कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो चले गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर हमें विड्थ देखने को मिलती है 3.03 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.52 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.33 इंच देखने को मिल जाता है, वेट यहाँ पर हमें 198 ग्राम देखने को मिल जाता है। रियलमी 9i 5G की बात कर ले तो यहाँ पर हमें विड्थ देखने को मिलती है 2.96 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.47 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.32 इंच देखने को मिलता है और वेट यहाँ पर हमें 187 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सारा डायमेंशन यहाँ पर सेम देखने को मिलता है, बट अगर आप वेट की बात कर लो तो काफ़ी लाइट वेट हमें रियलमी 9i 5G का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर हमें 6.6 इंच का TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2408 पिक्सल का फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। रियलमी 9i 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2408 पिक्सल का फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट यहां पर हमें सारी चीजें सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के डिस्प्ले के अंदर बेहतर देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, यानी कि बेहतर डिस्प्ले आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F23 का होने वाला है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपाचर के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और साथ ही में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप 4K में 13fps पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 8MP का देखने को मिल जाता है। रियलमी 9i 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपाचर के साथ, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है और 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 8MP का देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट कैमरा सेटअप सेम देखने को मिल जाता है, बट नई चीज़ यहाँ पर हमें F23 5G के अंदर हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाली देखने को मिलती है, यानी कि इस प्राइस रेंज में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का 5G 8nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है। रियलमी 9i 5G के अंदर में मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G 6nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 में देखने को मिलने वाला है, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F23 काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोनों के मेमोरी सेटअप के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 128GB 6GB और 128GB। यहाँ पर आप एक्सपांडेबल स्टोरेज 1TB तक यूज़ कर पाएंगे और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाएगा, यानी ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर पाएंगे। रियलमी 9i 5G की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB 6GB 128GB और यहाँ पर भी एक्सपांडेबल स्टोरेज 1TB तक यूज़ कर पाएंगे और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप अलग से यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों डिवाइस में मेमोरी सेटअप में ज़्यादातर डिफरेंट नहीं है, बट आपको F23 5G के अंदर सिर्फ और सिर्फ 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको इसमें कभी भी स्टोरेज का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के अंदर में 5000mAh की बैटरी और 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसमें आपको इन बॉक्स चार्जर देखने को नहीं मिलता, आपको अलग से चार्जर परचेस करना पड़ता है। वही रियलमी 9i 5G के अंदर आपको 5000mAh बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और ये चार्जर आपको इन बॉक्स देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के सिक्योरिटी के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G और रियलमी 9i दोनों डिवाइस के अंदर में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन देखने को मिल जाता है, यानी कि सिक्योरिटी के फीचर्स दोनों के अंदर सेम देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी एफ 23 5G के अंदर में 4GB 128GB वाला वेरिएंट 15,999 में मिलता है, वही 6GB 128GB वाला वेरिएंट 16,999 में मिल जाता है। वही रियलमी 9i 5G के अंदर में 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14,999 में मिलता है और 6GB 128GB वाला वेरिएंट 16,999 में मिल जाते हैं। यानी कि प्राइस सेगमेंट दोनों में सेम देखने को मिलते हैं 6GB 128GB वाले वेरिएंट्स के अंदर। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन के बारे में। तो दोनों डिवाइस के अंदर हमें 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला। प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस वाला चिपसेट सैमसंग गैलेक्सी एफ 23 5G में देखने को मिल जाता है। दोनों डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर कहीं डिफरेंट है नहीं। बट अगर आप एफ 23 5G परचेस करते हो तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यानी कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। चार्जिंग वगैरह की बात कर ले तो सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर, बट यहाँ पर आपको 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट ही देखने को मिलता है, चार्जर इनबॉक्स नहीं देखने को मिलेगा। वही रियलमी के अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर इनबॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो दोनों सेम प्राइस में देखने को मिलते हैं। 6GB 128GB वाला वेरिएंट दोनों के अंदर हमें 17,000 की रेंज में देखने को मिल जाता है। यानी कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी जो फ़ोन रहने वाला है वो है सैमसंग गैलेक्सी एफ 23 5G। अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को परचेस करते हो तो आपके लिए गेमिंग के लिए, प्रोसेसर के लिए सारी चीज़ें बेहतर एफ 23 5G के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये था सैमसंग गैलेक्सी एफ 23 5G वर्सेस रियलमी 9i 5G का फ्यूचर कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।